जितने भी हमारे नेता जेल में बंद हैं, सबके एक एक ईडी ने कहानी रची और ये कहानी की स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी गई है और वो कहानी बार बार सुना सुना कितनी बार एक ही कहानी को सुनाओगे। अब कोर्ट भी इस बात से सहमत है कि सारा पूरा का पूरा केस फर्जी है और फर्जी तरीके से सीटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया गया। तो देखिए, हालांकि देश की जनता ने भी इनको ठीक से जवाब दिया है और आज का दिन माननीय कोर्ट को धनमान्य जज को धन्यवाद करने का दिन बनता है कि अल्टीमेटली जस्टिस मिला। तो हम इस बात को मानते हैं कि आप तुम कितनी भी साजिशें क्यों नहीं कर लो, साजिश ज्यादा टिकती नहीं है, आज ये साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि आज देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पूरा का पूरा। इसमें एक अंतर है, अरविंद केजरीवाल ने जमानत आधार पर हासिल की है कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका है ही नहीं, ना उन्होंने फैसला लिया ना फैसले को अमल में लाने में उन्होंने कोई काम किया है। लेकिन मनीष सिसोदिया के कविता को जमानत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा मामला जो है रफा दफा हो जाता है, मामला ही वो पूरा केस ही गलत है, ऐसा है नहीं। एक बात समझिए, हालांकि चूंकि मैटर सब जुडिस है तो इस पर ज्यादा डिटेल बात करना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात बताइए आप, मनीष जी लगभग 20 महीने से जेल में बंद हैं, 20 महीने में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं कर पाए और आज भी रिकवरी के नाम पे इनके पास एक अठन्नी का रिकवरी नहीं है, आज भी मनी का ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, केवल कहानियां रच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर इन्वॉल्वमेंट आप ट्रायल शुरू करो ना, क्यों नहीं ट्रायल शुरू कर रहे हो, चार्जशीट पे चार्जशीट, सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री, ये कई बार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर आप प्रोसेस को लेंगे और हम नहीं कर सकते, एक्यूज को जेल में बंद नहीं रह सकते। मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल से जुलाई में मनीष जी की बेल लगेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष जी भी बाहर आएंगे। कोर्ट को समझ में आ गया है कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, फर्जी कहानी बनाई गई है और ये केवल कहानी आम आदमी पार्टी को अरविंद जी को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अपनी बात रखने के लिए। संजीव ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कि जितना भी मामला रहा है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के, दरअसल वो ईडी ने फैब्रिकेट किया है, जबकि ईडी का लगातार दावा है कि बड़ा घोटाला है, बड़ा घपला है और कई गिरफ्तारियां हैं, और उन गिरफ्तारियों में से किसी को भी जमानत मिली नहीं संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के अलावा। तो इसलिए इस मामले को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई तो रही है, लेकिन दिल्ली में जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाई पुरानी शराब नीति को हटा करके, वो सवालों के घेरे में आई, उसके बाद उसकी जाँच हुई, सीबीआई की जाँच, ईडी की जाँच, और उसमें 140 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला बताया गया और कई तरह की अनियमितताएँ उसमें ईडी की तरफ से दर्ज की गई। इसलिए यह मामला कानून का है, अदालत का है और लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसकी कई अर्जियां पड़ी हुई हैं, सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात यह है, आम आदमी पार्टी के लिए, कि अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी है शराब घोटाले में और कल वो तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। ईडी इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। ईडी ने लोअर कोर्ट से कहा था कि आप अपने फैसले पर अमल मत कीजिए, अरविंद केजरीवाल को जेल से फिलहाल बाहर मत कीजिए जब तक कि लोअर कोर्ट के फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज ना करें और वहां से हम कोई निर्णय ना लें। अगर हाई कोर्ट आपके निर्णय पर मुहर लगा देता है तब तो ठीक है, वरना आप अभी फिलहाल अपने फैसले को रोक कर करके अमल में लाने से, लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। इसमें जो भी अपडेट आता रहेगा इंडिया न्यूज़ आप